कार्यक्रम में बेतिया जिला का कार्यक्रम है, वहाँ पे बैंक का उद्घाटन है। साथ ही कल जो है वहाँ पे घर वापसी के तहत हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे बिहार में, और उसके तहत कल 500-600 लोगों का पार्टी में सदस्यता अभियान है, उसके लिए जा रहे हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूरे बिहार में हर प्रखंड स्तर पर घूम रहे हैं, एक एक लोगों को बस जानकारी दे रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए आह्वान कर रहे हैं कि मजबूती से एक साथ हुई और आने वाले समय 24 और 25 का सामना कीजिए और अपने ताकत को एहसास करा के अपने जो आरक्षण है वो हम लोग आने वाले समय में लेके रहेंगे। इसके लिए मजबूती से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आगे की क्या क्या योजना है आपकी? आगे का वही पॉलिटिकल पार्टी है तो निश्चित तौर पे चुनाव के समय में चुनाव लड़ा जाएगा, तो हर सीट पे नज़र रखे हैं, हर सीट का तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमम सीट पे हम लोग चाहेंगे कि हमारी पार्टी लड़े और जीत हासिल करे। जिस जिले में जा रहे हैं मंत्री जी, उसमें एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है मनीष कश्यप वाला जी, इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस मुद्दे पे ऊपर ज़्यादा क्या विशेष कहना है, उस पर जाँच चालू है और कुछ उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो आरोप पे अभी जांच चालू है, उस पर अभी मैं कोई भी स्वीकृति देना सही नहीं है। जो आरोप लगाया वो सही नहीं है आरोप, कहीं ना कहीं अगर ऐसा अगर आरोप अगर सही है तो ये गलत है, अगर आरोप अगर सही नहीं है तो उसको कार्यगत बरी होगा, उसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं। गठबंधन ना अभी समय आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा, अभी तो फिलहाल हम लोग अपने पार्टी को संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मुखिया बुलाइएगा, तैयारी कीजिएगा।